जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका जो सेशन चल रहा है, गणित का सेशन चल रहा है, और गणित में हम क्या पढ़ रहे हैं, घातांक एवं करणी, जिसमें हमने क्या किया, आगे तक टाइप पढ़ा, और आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइप सेकेंड में जो पढ़ रहे थे हम क्या, घातांक वाला। तो इसमें मैंने बताया था, जब घातांक यानी जब कोई संख्या करणी के अंदर हो तब हम पढ़ रहे थे, और इसमें आज हम टाइप सेकेंड चल रहा था। तो टाइप सेकेंड में मैंने चार टाइप बता दिया था, मैंने बताया था कि इसमें पांच टाइप होता है, आज पांचवा टाइप देखते हैं हम लोग। तो पांचवा टाइप देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, पांचवा टाइप क्या है, दूसरका में हम ई वाला पोर्शन देखेंगे। जैसे कोई संख्या इस तरह दे दे, देखिएगा ध्यान से, दो प्लस करणी में दो प्लस करणी में दो प्लस, और ऐसे दे दिया रहा है आपका संख्या, और कहां तक, अनंत तक दे दिया रहा है, कहां तक, अनंत तक, और इसका मान आपको निकालना होगा। क्या करना होगा, मान निकालना होगा। तो करेंगे क्या, मैं इसका एक नियम बताने जा रहा हूं, जो नियम आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। इसमें एक फॉर्मूला, जैसे मैं इसका मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैं ये देखिए यहाँ पर x बराबर, यानी कि इसका मान जो है टोटल वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए से अब बटे में टू ए। अब आप कहेंगे कि इसमें जो भी पर्सन है कि b कहाँ दिख रहा है, इसमें c कहाँ दिख रहा है, a कहाँ दिख रहा है, आपको बस एक चीज देखना है। जब ऐसा सवाल आएगा तो आपको करना क्या है, या प्लस है ना, तो प्लस जब दिखे तो आपको सीधा जो वैल्यू है ए की वैल्यू मान लेंगे एक, और जब यहाँ प्लस रहे तो बी की वैल्यू मान लेंगे माइनस एक। क्या करेंगे, माइनस एक मानेंगे, और सी की वैल्यू क्या मानेंगे, जो करड़ी के अंदर रहेगा, और करड़ी के अंदर क्या है, दो। तो जब दो है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, यहाँ पे इसका मान हमेशा माइनस में लेंगे, इसमें लेंगे माइनस में। जब माइनस में लेंगे तो आपका इसका जो मान निकालना होगा, यानी कि टोटल का मान x बराबर, देखिए माइनस b लिखा है मैंने ना, तो माइनस एक, अब प्लस, एक बार हम प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, बताऊंगा अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो यहां देखिए मैंने एक बार प्लस माइनस लिखा है, प्लस माइनस लिख लेता हूँ। यहां देखिए करड़ी में b का स्क्वायर मतलब माइनस एक का स्क्वायर, अब माइनस फोर ए, ए का मान एक, और सी का मान माइनस दो, सी का मान वही होगा जो करड़ी के अंदर रहेगा, वो भी माइनस में हो जाएगा, अब बटे में टू ए, ए का मान कितना है एक, ये हमेशा आपको मानना पड़ेगा। देखिये माइनस माइनस प्लस एक हो जाएगा, अब प्लस माइनस, यहां देखिए माइनस एक का वर्ग क्या होता है, एक ही हो जाएगा, माइनस पर करते हैं तो प्लस हो जाता है, देखिए माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, और चार गुना के आठ, अब बटे में दो एक कम दो, देखिएगा ध्यान से, यक्स बराबर हमारा जो होगा ये है वन प्लस माइनस अंडर रूट नाइन हो जाएगा बटे में दो। एक बार क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यक्स बराबर वन और प्लस माइनस नौ का वर्ग का मूल कितना होता है तीन, अब बटे में दो हो जाता है। देखिए जब हो जाएगा तो यक्स बराबर हो जाएगा, एक बार करिए क्या, एक बार प्लस चिन्ह लेकर चलेंगे, प्लस चिन्ह, जब प्लस चिन्ह लेकर चलेंगे तो यक्स का मान क्या आएगा, एक प्लस तीन बटा में दो, और तीन एक चार बटा में दो, यानी दो से दो काट देंगे कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। एक बार माइनस चिन्ह जब लेकर चलेंगे तो माइनस चिन्ह जब लेंगे क्या आ जाएगा, एक्स बराबर वन माइनस तीन अब बटा में दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस दो बटा में दो, दो से दो कट गया तो माइनस एक, अर्थात इसका जो मान आया कितना आया, मान जो आएगा कितना, एक आएगा माइनस एक, एक आएगा दो। आप कहेंगे कि एक सवाल आपको हमेशा इसी तरह लगाना है, और आपका जो नियम तरीका एक है ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार देखिए, अगर आपको दिमाग में आ रहा हो कि कैसे ये सूत्र पर आ गया, तो मैं सूत्र सिद्धराचार्य एक नियम होता है, इसका कोई अन्य शॉर्ट ट्रिक नहीं है, नहीं तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक तुरंत बता देता, लेकिन आपको इसमें रख कर इसे क्या करना है, लगाना पड़ेगा तब। लेकिन आपका मैंने एक बताया था, जब सवाल इस तरह आ जाए तो उसको आप तुरंत कर लेते थे। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया छ प्लस अंडर रूट छ, प्लस अंडर रूट छ, प्लस इस तरह करते हैं इनफिनिट तक, तो मैंने बताया था इसका देखिए खंड बन रहा है ना। ये नियम कब लगाएंगे, जब इसका खंड एक का नहीं बनेगा, देखिए तीन दुना के छह हो गया कि नहीं,
अब मैंने बताया था जब प्लस रहता है तो बड़ा वाला प्लस में रहेगा, छोटा वाला माइनस में रहेगा, यानी कि माइनस दो और तीन आपका इसका मान होता है। अगर इसी तरह से देखिए, यहां पर इस तरह मैं लिख दिया 12 माइनस कड़ी के अंदर 12 माइनस कड़ी के अंदर 12 माइनस डॉट इनफाइट था। अगर माइनस होता था तो मैंने बताया इसका तीन चौक को 12 होता है कि नहीं। जब यहाँ पर मान माइनस होता है तब बड़े वाले को माइनस लेते हैं, छोटे वाले को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये नियम मैंने ये बताया था आपको। लेकिन कब, जब ये खंड न बन पाए किसी का, यानी कि अभाज्य संख्या जब रहे, अभाज्य संख्या का मतलब जो किसी का भी न बन पाए, तब ये हम नियम फॉलो करेंगे। देखिए इसी पर मैं एक सवाल लिखता हूं, इसका मान आपको बताना है। और एक चीज ध्यान देना जो मैं बताया हूं, अगर मैं इसी पर सवाल एक लिख दूं, देखिए यहाँ पर 1 प्लस करड़ी में 1 प्लस का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि एक का खंड तो हम बना नहीं सकते, तो मैं आपको हमेशा बता रहा हूं इसमें मान कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें a हमेशा a बराबर हमेशा एक मानेंगे। अगर प्लस है तो b बराबर हमेशा माइनस एक होगा, और प्लस चाहे माइनस हो उसके लिए नहीं, हमेशा माइसी का मान माइनस एक होगा। अब इसका मान निकालने के लिए हमने बताया कि सूत्र का क्या कर देंगे, प्रयोग कर देंगे। अगर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ पे x बराबर क्या रखेंगे, माइनस बी, हम प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। जब इस पर रख कर लगाएंगे आप, ये सूत्र हमेशा भाज्य संख्या के लिए रहेगा। देखिए यहाँ पर x बराबर तो हम क्या बताए, माइनस बी तो माइनस एक होना है, तो माइनस बी का गुणा माइनस एक का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस, सॉरी यहाँ पर देखिएगा माइनस है, बी का मान माइनस एक, यहाँ प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब माइनस एक का स्क्वायर, माइनस 4a का मान एक और सी का मान माइनस एक, अब बटा में 2a का मान एक। यहां देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक, अब माइनस माइनस प्लस। देखिएगा अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ध्यान समझेगा, 4 एकम 4 यानी माइनस प्लस 4 और बटा में 2 हो जाएगा। अगर ऐसा आएगा कंडीशन तो हम करेंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 बटे में 2। अब 5 का आपका क्या होगा, वर्गमूल निकालने में कठिनाई होगी, तो आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, अगर नहीं भी बताया तो देख लीजिएगा। जब किसी संख्या में अगर समय ना मिल पाए तो 5 का वर्गमूल जब निकाल रहा है तो 5 का वर्गमूल तो हम जानते हैं कि नहीं निकलेगा, इसको क्या इस तरह लिख सकते हैं, 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2। अब प्लस है तो प्लस, जब 1 है तो 1 लिखे, जिसका वर्गमूल निकालेंगे उसी का दोगुना करके इसमें भाग दे देंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। जब 2 का दोगुना क्या होगा 4 हो जाएगा, और 4 का जब भाग देंगे तो 2 प्लस 1 में 4 का भाग आप देंगे तो कितना आ जाएगा 10.0, 2 दुना के 4 दुना के 8 20, 4 5 20 यानी 0.25 अर्थात इसका मान कितना जाएगा 2.2, यानी कि इसका मान आएगा तो देखिए एकदम प्लस ले लेंगे, प्लस चिन्ह जब लेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा +1, अब प्लस जब लेंगे तो इसका मान 2.25 अब बटा में 2, और ऊपर जोड़ दीजिए 3 हो जाएगा, 3.25 अब बटे में 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 6 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 एकम 2, एक बार ये मान आएगा। अब माइनस जब लेंगे तो x बराबर क्या माना जाएगा 1 और -2.25 अब बटे में 2, जब घटाएंगे तो -1.25 बटे में 2, जब भाग देंगे तो -0.6 दुना के 12 और यहाँ पर 2, यानी कि इतना माना आएगा। यानी कि इस तरह से आपको इसको लगाना पड़ेगा, जब आपको कैलकुलेशन सही रहेगा तो आप बहुत फास्ट लगाएंगे, क्या करेंगे बहुत फास्ट लगाएंगे। ये पूरी बात समझ गए आप, पूरी बात समझ में आई कि नहीं, अगर नहीं आई हो तो बताइए, तुरंत मैं इसे पुनः बता डालूंगा। देखिए इसी पर मैं एक अगला सवाल दे रहा हूं, इसे आपको क्या करना है लगाना है। जैसे मैं यहां पर मैंने दे दिया करड़ी में, देखिए यहां पर 5 प्लस करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 5 प्लस डॉट डॉट इनफिनिट तक की वैल्यू निकालिए,
इसका मान आपको निकालना है। तो जानते हैं कि इसे खंड नहीं हो पाएगा। जब खंड नहीं हो पाएगा तो मैंने नियम क्या बताया अभी आपको कि इसको नियम को इस पर लगाएंगे तो देखिए a बराबर हमेशा क्या मानने के लिए मैंने बोला एक, या प्लस हो चाहे माइनस तो उसका मान अलग होता है, लेकिन जब प्लस रहे तो b का मान हमेशा माइनस ही, और c वही होता है जो करड़ी के अंदर होता है अर्थात प्लस पांच है, तो यहाँ पर माइनस पांच हमेशा लेकर चले। ठीक है, यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी, तो माइनस एक यहाँ माइनस बी, देखिए माइनस पहले से लगा है, अब बी का मान माइनस एक माइनस एक दिया, अब प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब माइनस एक का स्क्वायर, माइनस फोर ए, ए का मान एक, अस्सी का मान माइनस पांच हो जाएगा, अब बटे में टू ए, ए का मान एक, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस यहाँ देखिए माइनस का वर्ग कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना आ जाता है प्लस, चार पचे बीस, ये पांच है, अब बटा में दो, यहां पर देखिएगा वन प्लस माइनस, अब बीस एक इक्कीस, इक्कीस का वर्गमूल निकालना जानते हैं आप नहीं जानते हैं? जब नहीं जानते हैं तो देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, तुरंत निकालना एकदम। जब आप इक्कीस का वर्गमूल नहीं जानते थे, अगर अंडर रूट इक्कीस है इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, सोलह प्लस पांच, सोलह पांच इक्कीस होता है, सोलह का वर्गमूल जानते हैं चार होता है, बाहर कर दिया, अब पांच में क्या करते हैं चार का दुगुना, यानी कि चार का दुगुना इसमें भाग देते हैं, चार का दुगुना का आठ, अब पांच में भाग देकर निकाल लेंगे तो आठ से देखेगा यहाँ पर आठ दशमलव, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे जीरो बढ़ेगा, आठ छह अड़तालीस कितना आ जाएगा दो, फिर जीरो बढ़ा देंगे तो आठ दुना के सोलह, यहाँ पर चार जीरो चार पचे बीस, यानी कि चार दशमलव छह दो पांच किसका माना जाएगा करड़ी में इक्कीस का माना जाएगा। यहाँ वैल्यू रख देते हैं वन प्लस माइनस कितना आया चार दशमलव छह दो पांच, अब बटाई में तो एक बार प्लस चिन्ह लेकर चलेंगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, यानी कि क्या आएगा देखिए यहाँ पर वन प्लस चार दशमलव छह दो पांच बटाई में दो, यहाँ पर चार एक पांच यानी कि इतना आ जाएगा, इसको दो से काटेंगे तो कितना आएगा दो दुना के चार, फिर दशमलव दो आठ सोलह, दो एक कम दो दुना के चार, अब माइनस जब चिन्ह लेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा वन माइनस चार दशमलव छह दो पांच, अब बटे में दो मान इसका कितना आएगा माइनस तीन दशमलव छह दो पांच बटा में दो ऐसा आएगा, और जब भाग देंगे तो यानी कि माइनस देखिए दो एक कम दो दशमलव है और दो आठ है सोलह, दो एक कम दो और दो दुना के चार, यानी कि ए वैल्यू आपकी आएगी, ऐसा आएगा तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेना चाहिए। अब चलिए इस पर लगाइए, एक सवाल मैं दे देता हूँ, पहले एक बता देता हूँ फिर उसको आप लगाएंगे, ठीक है। अब अगर प्लस वाला दिया था मैंने, अगर यहीं पर इस तरह माइनस दे दे, देखिए सात माइनस करड़ी में सात और माइनस और करड़ी में सात माइनस, अब सात माइनस डेट डेट कहाँ था इंफिनिट पर, जब माइनस आ जाए तो जहां ए का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए का मान हमेशा एक ही रखेंगे, बी का मान परिवर्तन हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो बी का मान हमेशा क्या करेंगे प्लस में लेंगे, जो माइनस में एक लेते था वो प्लस में, और सी का मान हमेशा वही होगा, सी का मान क्या होगा माइनस रहे चाहे प्लस उसका मान हमेशा माइनस में ही रखेंगे, तो माइनस सात हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं, जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका मान क्या होगा देखते हैं यहाँ पर, जब मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पे x बराबर हम मान रखते हैं तो देखिए माइनस बी है ना, तो यहाँ पर माइनस एक आ गया, b का मान एक दिया है, अब प्लस माइनस अंडर रूट देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, अब माइनस फोर ए, ए का मान एक, और सी का मान कितना माइनस सात, अब बटा में टू ए, ए का मान एक है, देखिए माइनस एक का प्लस माइनस यहाँ देखिए एक का वर्ग एक, अब माइनस माइनस प्लस, चार सते अट्ठाईस, अब बटा में दो हो गया कि नहीं। अब देखिए जब करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक प्लस माइनस अंडर रूट उनतीस, अब बटा में दो, देखिए उनतीस का वर्गमूल अगर तुरंत निकालना है तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर तुरंत निकालने के लिए करेंगे आप क्या, यहाँ पर देखिए उनतीस है, उनतीस को हम इस तरह लिख सकते हैं
25 प्लस 4, 25 चार 29, 25 का वर्गमूल 5, यहाँ पर 4 बटे में मैंने कहा इसका दुगुना करके इसमें भाग देते हैं, 5 दुना के 10 काटेंगे तो 2, यहाँ 5, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, दशमलव बढ़ा देंगे क्योंकि दशमलव में आएगा, तो देखिए 5 चौको 20 यानी 5.4 आएगा, तो वैल्यू यहाँ पर रख देता हूं मैं, यानी कि करड़ी में 29 का मान कितना आ जाएगा, 5.4 आएगा, और जब मान 4 आएगा तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 और प्लस माइनस, करड़ी में इसका माना क्या गया 5.4 बटे में 2, एक बार प्लस चिन्ह लेके चलेंगे, प्लस चिन्ह लेके चलेंगे क्या होगा -1 और प्लस 5.4 बटे में 2, एक 5 में से एक जाएगा कितना बचेगा 4.4 बटे में 2, जब काटेंगे तो 2.2 हो जाएगा, और माइनस जब लेके चलेंगे तो -1 माइनस 5.4 बटे में 2, माइनस माइनस जुड़ता है तो -6.4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -3.2, ये बात आपको इस तरह लगानी है। अब चलिए मैं एक सवाल आपको मैं इस पर देता हूँ, आप क्या करेंगे उसे लगाएंगे, और सवाल मैं कहा यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है, इसे आप लोग लगाएंगे, फिर मैं सवाल क्या करता हूँ चेंज करता हूँ, इसको आप लगाएंगे अपने से, और वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे छोड़ देंगे, मैं इसको देख लूंगा, 11 माइनस 11 का मान क्या होगा, ये आपका मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा, ये अगर आप बात समझ में आ गई होगी तो ठीक है, ठीक है। अब मैं टाइप चेंज करूंगा, टाइप देखिए चेंज कैसे करता हूं, हो गया, देखिए अगला टाइप जो भी होगा टाइप तीन में हम पढ़ेंगे करड़ी का, करड़ियों के योग और अंतर पर प्रश्न, अगला टाइप पे हमारा, जैसे सवाल आपका आ जाए देखिएगा यहां पर दे देगा कि इसका मान क्या होगा, करड़ी में 5 प्लस 2 करड़ी में 5 प्लस 3 करड़ी में 5 का मान क्या होगा, ये आपका जो है ध्यान दीजिएगा, करड़ी के अंदर ही बाहर है, ये अंदर अब नहीं है आपका घनमूल ससमूल, जब ऐसा क्वेश्चन आए कहे इसको क्या करिए जोड़िए, तो जोड़ने के लिए आप देखें करना क्या है, जो करड़ी में है उसमें कोई मान में अंतर है नहीं, जब इसको जोड़ने की बात करेगा तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो मान लेंगे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसे जोड़ देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए इसको नहीं जोड़ना है कड़ी, बस कड़ी के बाहर जो है उनको जोड़िए, 3 2 5 5 1 कितना हो जाएगा 6, और कड़ी में 5 है तो इसको बस इसी तरह रख दीजिए, ये इसका मान, ठीक है। मान लीजिए अगला सवाल इस तरह आ जाए, कड़ी में 12 प्लस 3 करड़ी में 3 प्लस 5 करड़ी में यहां पर 20 लिख देता हूं का मान क्या होगा, इसका मान आपसे पूछे, आप देख रहे हैं कि करड़ी में जो वैल्यू है यह अलग अलग हो गई, तब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसका गुणनखंड ऐसा करेंगे कि क्या होना चाहिए कि सेम आना चाहिए, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, इसको तो खंड करेंगे नहीं, 3 का तो कुछ खंड होगा नहीं, छोड़ देते हैं, अब प्लस 5 यहां देखिए इसको क्या कर सकते हैं 4 गुणे 5 कर सकते हैं, हो जाएगा, देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 बाहर हो गया, 3 का होता नहीं, करड़ी में 3 बच जाएगा, यहां देखिए 3 करड़ी में 3 पहले से ही है, यहां देखिए 5 यहां देखिएगा 5 है गुणे 4 का वर्गमूल 2 होता है बाहर हो जाएगा, करड़ी में 5 का वर्गमूल निकालते नहीं है तो यानी 5 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये करड़ी में 3 है, ये भी करड़ी में 3 है, इसके पहले जो अंक होते हैं उनको जोड़ देते हैं 3 2 5, और जो करड़ी में होता है उसी तरह लिख देते हैं 3 हो जाएगा, और यहाँ 5 दुना के 10, करड़ी में क्या है 5, अगर यहाँ पर 3 होता तो हम इनको जोड़ कर लेते कि नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं बात, चलिए आप लोग इस सवाल को लगाइए।
करड़ी में 25 प्लस करड़ी में 45 प्लस करड़ी में 125, अब माइनस करड़ी में 5 का मान क्या होगा? आपको इसको हल करना है। अब इसको हल कर आप बताइए कि कितना मान होगा, बताइए। मैं आपके कमेंट का वेट करता हूं। चलिए कमेंट देख लेता हूं। चलिए बताइए, तुरंत बताइए इसका मान कितना होगा। बताइए मान कितना होगा। बताइए कितना मान होगा। लेट कर रहे हैं अब आप लोग। देखिए करना के मिला लीजिए। देखिए यहाँ पर 25 का वर्गमूल कितना आता है, बाहर निकलता है ना, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5। इसको इस तरह लिख सकते हैं, 9 × 5, 9 × 5 = 45। इसको देखिए इस तरह लिख सकते हैं, 25 × 5 = 105 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए करने में 5 है, ये 5 है रख दीजिए। यहाँ पर देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी कि यहाँ बच गया करने में 5। यहाँ देखिए 25 का वर्गमूल 5 होता है, करड़ी में बच गया 5। अब माइनस करड़ी में 5, मैंने बताया यहाँ पर कुछ भी नहीं था, 1 मान लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा, 5 और 3 तो 5, 8, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7। अब प्लस है, प्लस करड़ी में 5, यही इसका मान होगा। क्या होगा, यही इसका मान होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब कर लेंगे कि नहीं, हमको लगता है हो जाना चाहिए। चलिए मैं एक सवाल आपका लिख देता हूं, इसे आप लोग पुनः फिर बताएंगे कि कितना होगा। चलिए आप लोग बताएंगे, मैं आपका कमेंट भी देख लिया, यानी कि बहुत अच्छे लड़के, बहुत अच्छे सही लोग का, अधिकतम लोग का क्वेश्चन सही आया है। चलिए अगला सवाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी पी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ सवाल जो भी है, ऐसा सवाल दिया जाए कि आप लोग को भी आ जाना चाहिए तुरंत। देखिए करड़ी में 75 प्लस करड़ी में 108 माइनस करड़ी में 147 का मान बताइए। इसका मान आपको क्या करना है, बताना है, बताइए तुरंत बताइए इसे। मैं आप लोग का देख रहा हूँ कमेंट, इसे लगाइए, सभी लोग का मान आना चाहिए इतना। चलिए बताइए कितने लोग का मान आया कि नहीं आया, बताइए। सेम कंडीशन जब ना समझ में आए इसका खंड कर दिया कीजिए। इस तरह खंड कैसे करेंगे आप, खंड करने का एक नियम, 75 है ना, 75 का भाग दे दीजिए, किससे जाएगा, पहले 3 से कटेगा कि नहीं, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, देखिए 5 से कटेगा कि नहीं, 5 × 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, 25। देखिए यहाँ पर जो ध्यान देखिएगा, ये मत भूलिए कि इसी की तरह है तो कैसे होगा, 25 को अगर इस तरह देखिए इस तरह खंड कर दीजिए, 5 × 5 × 3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब इसको जब 108 को करेंगे तो 108 का भी बांट दीजिए, देख लीजिए यहाँ पर 2 से करिए, यहाँ पर 2 × 5 = 10, यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना, 2 × 4 = 7 × 14, फिर 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, कितना आ गया, देखिए 2 × 2 × 3 × 3 × 3 हो गया। अब 147 को देख लीजिए, कितने का, 7 × 4 = 12, यानी 3 से कटेगा, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27, 7 हो गया, 7 से काटेंगे, आप देखिए कितना हो जाएगा आपका, 3 × 7 × 7। मैंने बताया जिसका जोड़ा बनता है वो एक बार बाहर हो जाता है, जिसका जोड़ा बना उसको बाहर करो, तो कोई 5 का बनाते 1 × 5 बाहर हो गया, करड़ी में 3 बच गया, यहाँ पर 2 और 3 बाहर हो गए, तो 2 × 3 बाहर हो गए, करड़ी में 3 बच गया, यहाँ क्या बचेगा,
एक साथ बाहर होगा, करड़ी में तीन बच जाएगा। यहां देखिए ध्यान से, यहाँ पांच करड़ी में तीन, तीन दुना के छह करड़ी में तीन, माइनस सात करड़ी में तीन, प्लस वाले जोड़ लो, छह पांच ग्यारह करड़ी में तीन और माइनस सात करड़ी में तीन। देखिए प्लस माइनस ग्यारह में सात जाएगा तो कितना जाएगा, चार करड़ी में तीन, ये इसका मान होगा। अगर अब ऐसा आएगा तो कर लेंगे कि नहीं ये बताइए, अगर ऐसा आएगा तो कर लेंगे आप। ये आपका था क्या नियम, और आपका देख लिया जाता है कमेंट में कुछ है तो नहीं, अगर कुछ नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा आगे बढ़ जाऊंगा और क्या करूंगा आपको आगे आप पढ़ाऊंगा। चलिए कोई कमेंट नहीं, चलिए टाइप में चेंज करता हूँ टाइप। अब क्या करते हैं देखिए, कड़ियों के ऊपर अंतर को देख लिए, अब जो होगा कड़ियों का भाग और गुणा पर प्रश्न आएगा, देखिएगा ध्यान से। अब जो है टॉपिक गुणा और टाइप चार, गुणा और भाग पर प्रश्न, जब गुणा और भाग पर प्रश्न आएगा देखिए कैसे आएगा, जैसे मैं इस तरह दे दिया सवाल, करड़ी में तीन गुणे करड़ी में पांच गुणे करड़ी में सात का मान क्या होगा। देख रहे हैं सब जगह अलग अलग है ना, जब अलग अलग है तो टोटल को करड़ी में लग दो, यानी तीन गुणे पांच गुणे सात और गुणा कर दो। देखो कितना, सात त्रिके इक्कीस, इक्कीस पांच कितना होता है 105, इसका मान क्या हो गया 105, यही इसका आंसर होगा। मान लीजिए अगर इस तरह दे दे, तीन यहां पर देखिए घर षष्ठमूल, यानी सात गुणे यहां पर षष्ठमूल, फिर दे दिया यहां पर छ और गुणे यहां पर, देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं, 27, और इसका मान आपसे पूछ दे क्या होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे आप लोग, देखिए आप इसकी तो वैल्यू निकाल नहीं सकते, इसको तो कुछ करना है नहीं, यानी तीन सात रहने दीजिए। इसको देखिए इसका घनमूल आप निकालते हैं, घनमूल छक्का तो नहीं होता है ना, इसको भी इसी तरह रख दीजिए, लेकिन 27 का घनमूल कितना होता है, तीन होता है, आप तीन रख दीजिए। अब गुणा करिए, देखिए तीन कोई अंक नहीं ना है तो तीन को पहले लिख दीजिए, ऐसे क्या करिए जो घनमूल यानी कि घनमूल के अंदर यानी कि उनका गुणा करिए, सात छह 42, इसका मान ऐसे निकालेंगे। चलिए एक सवाल आप लोग लगाइए, तुरंत बताइए इसका आंसर कितना होगा। यहां पे 81 कर लीजिएगा, इसका मान आपको बताना है। ये यहां पर देखिए, यहां पर जो है चार है, ठीक है, अब इसका मान आपको बताना है, और यहां पर तीन है, ध्यान देखिएगा यहां पर तीन है, और इसका मान आपको बताना है कि कितना होगा। बताइए कितना होगा मान, मैं आपका कमेंट देख लूं, चलिए नहीं देखता हूं, आप लोग बताइए इसे। देखिए करना क्या है, जानते हैं कि इसका जब चार दे दिया है तो मतलब चार जोड़ा बनेगा कि बाहर हो जाएगा, तो देखिए जब चार जोड़ा बनाएंगे, पर देखिए 81 को क्या कहा था मैंने, तीन से बजाएगा तो तीन से काटेंगे कितना आएगा 27, फिर तीन से काटेंगे तो नौ, फिर तीन से काटेंगे तो तीन और तीन, देखिए चार बार है, चार चार या चतुर्थमूल रहता है तो उसमें चार जोड़ा बनता है तो एक बार बाहर होता है, तो ये कितने का हो गया, तीन का। यहाँ पर देखिए किसी का नहीं होगा क्योंकि दो का षष्ठमूल चतुर्थमूल तो निकलता नहीं है, इसलिए दो लिख दिया, पांच का भी नहीं निकलता है, पांच रख दिया मैंने। अब ये बताइए 729 का घनमूल कितना होता है, नौ होता है, क्योंकि 729 का घनमूल नौ होता है कि नहीं। अब मैंने बताया जिसका गुणा करना है बाहर का, दिन नौ त्री 27, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अंदर चार, इसका जो अंडर रूट अगर देखें चतुर्थमूल ये भी है, चतुर्थमूल ये भी है, इसे चतुर्थमूल के अंदर लिखकर दोनों गुणा कर देंगे तो पांच दुना के 10, यही इसका आंसर होगा।
बताइए ऐसा आएगा क्वेश्चन तो कर ले कि नहीं। अब मैं टाइप थोड़ा चेंज करता हूं, देखिए क्वेश्चन अगर इससे आ जाए दो सौ तिरालीस गुणे गुणे इसका मान बताइए कितना होगा। अगर इस तरह दे दे तो पूछेगा आपका किसका मान क्या होगा, तब क्या निकालेंगे बताइए, निकालिए इसे, अब बताइए तुरंत। बताइए तुरंत सवाल बताइए। इससे सवाल आएंगे तब करना क्या, मैंने बताया तुरंत कि यहाँ पंचमूल है तो पंचमूल का मतलब इनके पांच का जोड़ा बनेगा तब बार होगा, घनमूल है तो तीन का जोड़ा बनेगा तब बार होगा, यहाँ पर वर्गमूल है तो दो का जोड़ा बनेगा तब बार होगा, यहाँ फिर घनमूल है तीन का जोड़ा बनेगा तब बार, यहाँ पर वर्गमूल है तो वर्गमूल का जोड़ा बनेगा। अब देखिये 243 पंचमूल की बात कर रहा है तो देखते हैं पांच का जोड़ा बनता है कि नहीं। तो देखिये यहाँ पर तीन से कटेगा, तीन आठ चौबीस, तीन एकम तीन, फिर तीन से काटेंगे सत्ताईस, फिर तीन से काटेंगे नौ, तीन से काटेंगे तीन, तीन यानी कि लग रहा है कि पांच का जोड़ा बन गया, यानी पंचमूल में पांच का जोड़ा बनता है तो एक बार बाहर रहता है, यानी कितने का हो गया, तीन का हो गया, एक सौ पच्चीस का घनमूल पांच, ये किसी का नहीं निकलेगा, वह पांच का घनमूल निकलेगा नहीं। यहाँ पर देखिए 729 किसका है, नौ का घनमूल, और 49 का वर्गमूल सात, यहाँ पर कितना है तीन पाँच, देखिए तीन से काटेंगे तीन तिली के नौ, अब नहीं कट रहा है ना तो क्या आ जाएगा, पांच बटे सात तरीके इक्कीस अकड़ी में पांच, यही इसका आंसर होगा। चलिए इस पर मैं लास्ट सवाल देता हूं आपको और आप लगाएंगे, फिर मैं टाइप चेंज कर दूंगा। इसका मान आपको बताना है कितना होगा, करड़ी में 72 गुड़े करड़ी में 20 गुड़े 115 भागे करड़ी में 8, इसका मान बताइए क्या होगा। फिर मैं आपका टाइप चेंज करूंगा, जो सवाल आप अलग बताऊंगा, बताइए तुरंत। भागे का मतलब इसके बट्टे में हो जाएगा ना, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, 9 8 72 लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं देखिएगा 4 5 20, इसको लिख सकते हैं क्या, रहने दीजिए इसको, कोई बनेगा नहीं वर्गमूल, यानी कि रहने देते हैं। अब भागे का मतलब इसके बटे में करड़ी में 8 है, देखिए 3 का 9 का वर्गमूल कितना था, 3 तो करड़ी में 8 बच गया कि नहीं, 4 का वर्गमूल 2 तो करड़ी में 5 बच गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा करड़ी में 15, यहाँ बटा में करड़ी में 8, देखिए इससे कट गया, जब कट गया यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो क्या करता है, मैंने गुड़ा जब रहता है बाहर वाले गुड़ा कर लेते हैं तो 3 2 6, आई देखिए करड़ी समान है ना, तो करड़ी में, तो करड़ी में अब 15 5 कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, जब इसका इसमें गुड़ा करेंगे, देखिएगा एक पॉइंट में और बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जब काट देंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 गुड़े 2 करड़ी में 5, इसको देखिए 15 किस तरह लिख सकते हैं क्या, करड़ी में 3 गुड़े करड़ी में 5, जब इन दोनों का गुड़ा करते हैं, यानी कि देखिए करड़ी में जब यक्ष रहता है गुड़ा करड़ी में यक्ष करते हैं तो इसका मान केवल यक्ष बचता है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह जब करड़ी में 5 या करड़ी में 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 2 6 6 6 5 30 करड़ी में 3, इसका मान इतना होगा।
ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आते हैं कर्णियों के गुणा और भाग पर पास। अब टाइप मैं क्या करता हूं, चेंज करता हूं, ऐसा ऐसा कर लेंगे आप लोग। चलिए मैं अगला टाइप बताता हूं, टाइप 5 संयुग्मी पर प्रश्न। संयुग्मी पर प्रश्न क्या होता है, टाइप 5 इसमें आता है संयुग्मी पर प्रश्न। जब संयुग्मी पर प्रश्न मतलब क्या होता है, देखिए जब कोई संख्या अगर इस तरह दी है, देखिएगा ध्यान से, अगर a प्लस करणी में चाहे कुछ भी लिख दो, चाहे अगर पूछे a प्लस बी का संयुग्मी क्या होगा, a प्लस बी का संयुग्मी क्या होगा, तो संयुग्मी का मतलब होता है जहां प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा, बस यही आंसर। अर्थ आपका संयुग्मी, अगर आपका क्या है माइनस है यहां पर, का संयुग्मी अगर पूछे तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ए प्लस हो जाता है। और संयुग्मी के प्रश्न को लगाने के लिए आप जानते हैं इन दोनों का गुणा करते हैं तो ए माइनस बी और एक कोष्टक में प्लस बी, किसका सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है। अगर इसका गुणा करेंगे तो इस तरह होता है। और पूरा संयुग्मी पर जो प्रश्न आता है टोटल इसी पर लगता है। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन है जो मैंने दे दिया, एक बटा में करणी में 7 माइनस करणी में 6 का मान बताइए क्या होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे आप, जब इस तरह क्वेश्चन आए तो सीधा इसका सवाल लगाने के लिए करना क्या होगा, इसके संयुग्मी, संयुग्मी इसका क्या होगा, इसका संयुग्मी क्या होगा, है करणी में 7 माइनस करणी में 6 का, इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, करणी में 7 प्लस करणी में 6 होगा कि नहीं, इसी का ऊपर भी गुणा करेंगे इसी का नीचे भी गुणा करेंगे तो इसको काट देंगे तो यही मानेगा कि नहीं। जब ऐसा आएगा तो ऊपर का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, करणी में 7 और प्लस करणी में 6। आइए देखिए, ये एकदम माइनस है एकदम प्लस है, किसका सूत्र हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हुआ कि नहीं, यानी कि करणी में 7 का स्क्वायर और माइनस करणी में 6 का स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि करणी में किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं तो जो करणी में रहता वही बाहर होता है। देखिए यहाँ पर करणी में 7 और प्लस करणी में 6, करणी में 7 का स्क्वायर तो केवल 7 और माइनस 6, यहाँ देखिए घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 7 में 6 जगह तो 1 बचेगा, इसकी कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, 1 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना बच जाएगा, करणी में 7 और प्लस करणी में 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। पूरी बात समझे, मैं इस पर अगर आप सवाल दूंगा तो लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे, तब तक देख ले आता है आप लोग का पूरा, कमेंट में कुछ आया तो नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं इसी पर देता हूं, आप लगाइए इसे, इसी तरह एकदम लगाना है। अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, देखिए यहां पर 3 2 करणी में 3 का मान बताइए क्या होगा। एक और क्वेश्चन लिख दूं, चलिए एकदम सिंपल से क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, करणी में 3 माइनस 1 करणी में 3 प्लस 1, इसी को आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा आप क्या करेंगे, इसे लगाएंगे आप, मैं क्वेश्चन पूरा दे दे रहा हूं और आप इसे आंसर बताएंगे कि क्या होगा। चलिए इन सबका मान बताइए कितना होगा, बताइए। बताइए यहाँ पर मैंने क्या कहा, इसका तुरंत संयुग्मी, संयुग्मी से गुणा करेंगे ना तो 2 प्लस करणी में 3 है, तो 2 प्लस है तो कर इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, 2 माइनस करणी में 3, इसी का दोनों ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये मान में अंतर नहीं होना चाहिए। जब गुणा करेंगे 3 दुना के 6, चाहे इसे ना करिए आप, इसे रहने दीजिए बाहर, 3 और यहाँ पर 2 माइनस करणी में 3 हो जाएगा। ये देखिए एक में प्लस हो गया एक माइनस में, किसका सूत्र बन गया, 2 का स्क्वायर
अब माइनस कर रही में तीन का स्क्वायर, देखिए आप तीन और दो और माइनस कर रही में तीन, कितना आ जाएगा दो का वर्ग चार, कड़ी में तीन का केवल तीन बचेगा ना, तो ऊपर क्या बच गया तीन दो माइनस कड़ी में तीन, क्योंकि इसको घटाएंगे क्या गया एक का भाग एक कुछ नहीं होगा। सेम कंडीशन यहाँ फॉलो करिए, इसका भी संयुग्मी कितना हो जाएगा, मैं नीचे वाले को हमेशा लेके चलेंगे संयुग्मी, अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। देखिए इस तरह करने कोई मान में अंतर होगा नहीं ना, अब देखिए ऊपर क्या हो गया है, इसका सूत्र बन गया कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, दो बार है तो आइए देखिए जब दो बार हो गया तो करड़ी में तीन माइनस एक का स्क्वायर बन गया ऊपर, आइए किसका सूत्र बन गया करड़ी में तीन का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, सूत्र यही ना जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, कोष्टक में ए प्लस बी आइए कोष्टक में ए माइनस बी, इसी पर तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए इसका सूत्र क्या है ए का स्क्वायर मतलब तीन का स्क्वायर, अब प्लस ए का स्क्वायर माइनस टू ए, ए का मान तीन बी का मान एक, यहाँ देखिए कड़ी में तीन का स्क्वायर मतलब तीन बचेगा आप माइनस एक, ऊपर क्या बचा देखिए कड़ी में तीन का क्या हो जाएगा तीन, अब प्लस एक का स्क्वायर एक, देखिए माइनस ना तो माइनस, यहाँ क्या है दो कड़ी में तीन बचेगा, अब बटा में तीन में से एक जगह दो, देखिए ऊपर क्या हो जाएगा तीन एक चार, अब माइनस दो कड़ी में तीन अब बटा में दो, ऊपर दो कॉमन है तो दो एक कम माइनस तीन अब बटा में दो, देखिए दो से दो कट गया नहीं, यानी कि आंसर क्या बच गया हमारा दो माइनस कड़ी में, ऐसे अगर कर लें कि नहीं सवाल। इसी तरह इसको बताइए आप लोग, बस संयुग्मी करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कड़ी में पांच प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस कड़ी में तीन अब बटे में कड़ी में पांच माइनस कड़ी में तीन। आप देखिए सूत्र बन गया ऊपर का ऊपर गुणा करिए, एक का गुणा पांच में करेंगे तो क्या हो जाएगा कड़ी में पांच, एक का गुणा माइनस कड़ी में तीन करेंगे तो माइनस कड़ी में तीन, अब प्लस का प्लस है तो प्लस का गुणा जब इसमें करेंगे तो देखिए दो का गुणा पांच में करेंगे कितना हो जाएगा कड़ी में दो इंटू कड़ी में पांच लिख देता हूं, इसका प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस, दो का गुणा तीन में करेंगे क्या हो जाएगा कड़ी में दो इंटू कड़ी में तीन, ये किसका सूत्र कड़ी में पांच का स्क्वायर और माइनस कड़ी में तीन का स्क्वायर, देखिए करड़ी में पांच है ना तो करड़ी में पांच लिख दो कोई दिक्कत, यहाँ पर माइनस करड़ी में तीन है कोई दिक्कत, इसको मैंने क्या बताया था अभी याद है कि भूल गए, चाहे इसको आप रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गुणा करेंगे तो भी नहीं करेंगे तो भी, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर दो का गुणा पांच में करने क्या पांच दुना के दस अभी बताया था, और माइनस करड़ी में क्या जाएगा तीन दुना के छह, और नीचे क्या बचेगा ये देखिए क्या हो जाएगा पांच बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा बताइए तीन बचेगा केवल, यानी ऊपर नीचे अगर इसी तरह भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, देखिए इसमें कड़ी में पांच माइनस कड़ी में तीन प्लस कड़ी में दस माइनस कड़ी में छ, अब बटे में क्या बचेगा पांच में तीन जाएगा तो दो, यही इसका आंसर है इतना ही, ठीक है आगे कोई कटेगा है नहीं, जब नहीं कटेगा अगर आप लेंगे तो इसका अगर लेंगे कॉमन तो ये बचेगा तो यानी कि इसी पर इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल को भी हल करवा दूं कि लगा लेंगे आप लोग, इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा सात माइनस करड़ी में पांच, देखिये यहाँ पर दो यहाँ क्या बचेगा करड़ी में सात माइनस करड़ी में पांच, आप तो ये समझ गए होंगे बार बार मैं इस तरह लिखूं इस तरह जरूरी तो है नहीं, सात होगा केवल यहाँ से केवल पांच बचेगा, क्या बचेगा दो करड़ी में सात माइनस करड़ी में पांच, अब अटेम दो दो से दो कट गया तो क्या बच गया करड़ी में सात माइनस करड़ी में पांच। अब बताइए संयुग्मी वाला प्रश्न आएगा तो कर लेंगे कि नहीं, हो जाएगा, इतना मैंने बताया समझ में आया, यदि समझ में आ गया तो अब इसके आगे हम लोग कल क्लास मिलेंगे, क्योंकि आपका समय भी हो गया है, तो आज की क्लास में यही बंद करता हूँ, आगे जो सवाल है वो कल पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।